ओम शांति। आज आपका 125वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और इस वरदान में आगे जाने से पहले ये जो ऊपर लिंक दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करके योगासन, सोने की विधि, क्या खाना क्या नहीं खाना, मोटापे को कैसे घटाना, उसके बारे में सब जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वरदान में परमपिता परमात्मा आज हमें कहते हैं कि हमारे अंदर घबराहट कब होती है, चिंता कब होती है, कब हम बिल्कुल ही उतावले हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उसका कारण क्या है। कभी हम सोचते हैं कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम लाइफ में फिर से सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। तो ये ऊपर चढ़ना, फिर उतरना, फिर ऊपर चढ़ना, फिर उतरना, ये सारी चीजें क्यों होती, क्यों हैं, उसके बारे में आज हम और विस्तार से जानेंगे। तो देखें बाबा कहते क्या है आज के वरदान में। बाबा कहते हैं घबराने की डांस छोड़। घबराने की डांस, डांस कहाँ होता है? मन के अंदर होता है, आत्मा अंदर ही अंदर विचलित होती रहती है, डांस करती रहती है, और शरीर उसके अनुसार चलता रहता है, कर्म हाथ पैर से उसके अनुसार होते हैं, तभी गड़बड़े होती है हमारे हाथों पैरों से। तो परमात्मा कहते हैं घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। सो परमात्मा है ज्ञान के सागर, नॉलेजफुल, और परमात्मा चाहते हैं कि हम भी क्या बने, उनके बच्चे, मास्टर आत्मा में, मास्टर आप आत्मा, मास्टर नॉलेजफुल है। ये हो गया हमारे लिए स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो देखें विस्तार में बाबा कहते हैं जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं, मतलब कि परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को हर दिन अपनी स्मृति में रखते हुए, हर सिचुएशन को पार करते हुए, उनकी जो नाव है, जीवन रूपी नाव, वो कभी हिलती डुलती डोलती नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो है मास्टर नॉलेजफुल। वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। हाँ ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे तो नहीं सोचा था, ऐसे करने नहीं करना था, भगवान भी मेरे साथ में ऐसे क्यों खेल खेल रहा है, भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो परमात्मा की सब बातें मानता हूँ, मानती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक तो किसी का कुछ मैंने बुरा नहीं किया, किसी का कुछ मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो परमात्मा कहते हैं वो घबराने की डांसे हैं। तो परमात्मा कहते हैं सेकेंड में सीढ़ी नीचे। क्रिश्चियनिटी में भी दिखाते हैं जेकब्स लैडर, जिसमें कि आप जेकब्स लैडर में आप ऊपर चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे हैं और आप परमात्मा के पास पहुंच गए। परमात्मा कहते हैं वो तो आप पहुंचोगे, लेकिन आप पहले तो है आपको हल्का होना पड़ेगा। ऊपर चढ़ना मतलब कि कलाएं बढ़ना, क्वालिटीज बढ़ना, वैल्यूज बढ़ना, जितनी क्वालिटीज, जितनी वैल्यूज, गुण, शक्तियां बढ़ती जाएंगी आत्मा में, उतनी उसके अंदर भार कम होता जाएगा, आत्मा हल्की होती जाएगी और हम सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं सेकंड में सीढ़ी चढ़ नहीं, उसका मतलब सेकंड में ऊपर, और अब यह संस्कार चेंज करो। चढ़े फिर सेकंड में ऊपर, मतलब मूड कभी अच्छा हुआ, मूड कभी बुरा हुआ, कभी चिड़चिड़े हुए, कभी बहुत खुश हुए, एक्सट्रीम्स में जाना वो कब होता है, जब हम माया के संस्कारों से उलझ रहे होते हैं। माया मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ में हम जूझ रहे होते हैं, उन्हीं के स्वाद में होते हैं, तो कभी मूड अच्छा होता है, कभी मूड बुरा होता है, तो कभी कर्मेंद्रियां बड़ी खुश हो जाती हैं देख करके, कभी सुन करके अच्छा लगता है, कोई चीज में फायदा हुआ बड़े खुश हो गए, अचानक से सीढ़ी चढ़ गए, 21 सेकंड में सीढ़ी चढ़ गए, कोई दुर्घटना हुई, कोई बुरा हो, हानि हुई, किसी ने आपकी निंदा कर दी, 1 सेकंड में नीचे। इसका मतलब परमात्मा के साथ में लिंक नहीं है, परमात्मा से प्यार नहीं है, दुनिया से प्यार है, दुनिया की चीजों से प्यार है, अपनी शरीर से प्यार है, धन दौलत से प्यार है, अपने रूप रंग से प्यार है। परमात्मा कहते हैं फिर तो सीढ़ी ऊपर नीचे होता रहेगा। देखिए और बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, परमात्मा ने हमें ज्ञान की अथॉरिटी दी है, पॉइंट्स दिए हैं, हमारा सारा ज्ञान कि हम आत्मा है, मुझ आत्मा ने कितने जन्म लिए, आप आत्मा ने कितने जन्म लिए, क्या क्या किया, अब कौन सा समय चल रहा है, ये संगम युग का समय, कलयुग नहीं है कुछ आत्मा के लिए, दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन परमात्मा को जिसने पहचान लिया उनका संगम हो गया परमात्मा के साथ में, उनके लिए ये युग भी संगम युग हो गया। अब संगम के बाद में क्या आएगा, संगम के बाद में कलयुग का अंत, महाकाल, महाविनाश कहें या एपोक्लिप्स कहें, उसके बाद में हम सब ऊपर जाएंगे आत्मा, और फिर से एक एक करके अपने शक्ति और गुणों अनुसार, पवित्रता अनुसार हम धरती पर आएंगे, जब धरती बिल्कुल ठंडी होकर के फिर से स्वर्ग बन जाएगी महाविनाश के बाद में। तो 5 तत्व भी परिवर्तन होंगे, आत्माएं भी अभी परिवर्तन हो रही है, तैयार हो रही है 5 तत्व के स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए इसी धरती पर। तो परमात्मा पिता कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ राज बता दिए, नथिंग न्यू बता दिए, 5,000 वर्ष पहले भी सारी चीजें हुई थी, फिर हो रही है, रिपीट हो रही है, नथिंग न्यू, घबराने की कोई बात तो है ही नहीं। जब सब कुछ नथिंग न्यू है तो हम एक ही दिन में रह करके अपनी सीमित दृष्टि से देखेंगे तो हम घबराएंगे, लेकिन अगर हम विस्तार में देखेंगे तो घबराहट कम हो जाती है,
तो परमात्मा ने अपनी जैसी विशाल बुद्धि कर दी है, हमें सारे नाटक का बता दिया है। अगर आपको कोई पूरी मूवी का रहस्य बता दे कि लास्ट से स्टार्टिंग से अंत तक क्या होगा आपका, तो आप तो उस मूवी को देखेंगे कैसे, हाँ मेरे को पता क्या होने वाला है, अब मुझे पता क्या होने वाला है, लास्ट में हीरो की जीत होनी है। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जब आपको पूरी मूवी के बारे में बता दिया है, ये सृष्टि रूपी मूवी के बारे में सारा ज्ञान दे दिया है ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो आपके अंदर घबराहट क्यों आती है? आप भूल जाते हो, इस कारण से सारे चक्र को भूल जाते हो, ये भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, तब घबराहट आती है। फिर देखें आगे, बाबा कहते हैं अथॉरिटी को, नॉलेज की अथॉरिटी दी है, नॉलेज को ज्ञान दिया है, परिवार के सहयोग को यूज करो। अगर हम परिवार, परिवार मतलब कि जो ये मेडिटेशन करते हैं, जो इस ज्ञान के साथ में चलते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो प्योर लोग हैं, उसके शक्ति, उसकी परिवार की एक शक्ति, संगठन की शक्ति, उसको यूज करो। दुनिया चारों तरफ कलयुग में नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा, उनके साथ रहोगे तो आप और गिरोगे नीचे, लेकिन परिवार के साथ रहोगे, परिवार के साथ में मिलजुल के रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, तो उसका सहयोग भी मिलता है। सिर्फ नॉलेज लेना, सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं, परिवार के साथ रहने से असर पड़ता है, तो उसको यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो। जब हम किसी बड़े व्यक्ति के हाथ में हाथ डालते हैं, तो वो जहां लेके जाते हैं, जो खिलाते हैं, जहां बैठाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन अगर हम खींच करके हाथ छोड़ करके किसी और के साथ चले जाएं, या किसी और जगह चले जाएं अपने आप से, तो भटकना शुरू होते हैं। परमात्मा का हाथ छोड़ा मतलब परमात्मा के अनुसार नहीं चले, इनकी दी हुई डायरेक्शन के अनुसार, तो भटकना शुरू हो जाता है, फिर बेचैनी, फिर चिंताएं, टेंशन बढ़ जाती हैं। तो देकर चलते रहो, तो खुशी की डांस करते रहेंगे, घबराने की डांस हो नहीं सकती, उस समय घबराने की डांस नहीं होगी आपकी। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो, तो वह डांस होती है। जब हम काम क्रोध लोभ अहंकार को पकड़ लेते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, बोलते अरे बहुत हो गया, थक गए, मेडिटेशन करते अब नहीं, अब थोड़ा सा खा लेते हैं, घूम लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं दुनियावी चीजें, तो उस समय फिर क्या होता है, डांस शुरू, संकल्प बढ़ने शुरू होते हैं वासना के, काम अहंकार क्रोध ईर्ष्या के, और अचानक से मन में अशांति आनी शुरू और डांस करना शुरू, हाय क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। तो परमात्मा कहते हैं इस डांस को खत्म करें मेरे हाथ में हाथ डाल करके। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, आप सदा खुश रहें, आप सदा स्वस्थ रहें। ओम शांति।